नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI CSP में ऑटो लॉगआउट की, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, करंट में जो प्रॉब्लम है वो हम जैसे ही अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं उसके बाद तुरंत ही वो लॉगआउट हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये कई कई घंटों तक, आधे आधे घंटे तक ये प्रॉब्लम हमारे साथ बना रहता है, जिसमें हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है वर्क करने में। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, इस प्रॉब्लम से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं कि अपने SBI CSP पोर्टल को हम स्मूथली कैसे चला सकते हैं, स्मूथली कैसे वर्क कर सकते हैं, उसी विषय में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। अभी का जो हम यूज करते हैं, जो हमारा CSP पोर्टल हम यूज करते हैं, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पे हम यूज करते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम क्या करेंगे अभी कि माइक्रोसॉफ्ट 1 में हम यूज करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर को। तो उसको करने के लिए ट्रिक क्या करना है, सिंपली आपको सर्च में कर लें, विंडोज 10 अगर आपका है तो सब सर्च कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट 1 EDGE, यहाँ पे आप ऐसे सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आपको एक वेबसाइट सर्च करना है, यहाँ पे chrome.google.com/web-store सिंपली आपको ये सर्च करना है। इस लिंक को मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ। तो आपको इस वेबसाइट को सिंपली माइक्रोसॉफ्ट 1 खोल करके इस वेबसाइट को सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में एक परमिशन मांगेगा, जैसे कि मैं इसको बार बार रिपीट खोल चुका हूँ, यानी कि यहाँ पे कैसा आपको मांगेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलाउ कुछ आपको यहाँ पे परमिशन मांगेगा, सिंपली आपको इसको खोलने के बाद आपको अलाउ कर देना है, परमिशन दे देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे फिर से वापस जाता हूँ। यहाँ पे अलाउ करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च बटन का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि हमें सर्च कर लेना है IE, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर टैब, यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट में इस तरह से आएगा IE टाइप करके, सिंपली आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐड टू कंटिन्यू पे सिंपली हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं ऐड टू कंटिन्यू पे। तो यहाँ पे मैं ऐड टू, यहाँ पे चेकिंग में यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे जैसे ही आप चेकिंग कीजिएगा तो यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन आएगा, सिंपली हमें इसको ऐड कर लेना है। तो सिंपली मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर में एक देख पाएंगे, जो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा, टर्न ऑन जो भी है यहाँ पे करने को मांगे, तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, आपको कट आउट कर देना है। यहाँ पे करने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर का यहाँ एक ऑप्शन यहाँ पे ई करके ऐड हो जाएगा। सिंपली ऐड होने के बाद सिंपली आपको करना क्या है उसके बाद, कि जो अपना कियोस्क पोर्टल है, कियोस्क पोर्टल का वेबसाइट है, सिंपली लॉगिन करना है। तो सिंपली जो हमारा कियोस्क पोर्टल का URL है, सिंपली यहाँ पे हमें ओपन करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम जो कियोस्क पोर्टल का URL है यहाँ पे टाइप कर देते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं kiosk.onlinesbi.com। ये हमारा कियोस्क पोर्टल का ये वेबसाइट है जिस पे हम वर्क करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे kiosk.onlinesbi.com यहाँ पे हमने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपका इतना ही प्रोसेस होगा, यहाँ पे ओपन आपका नहीं हो पाएगा। तो इतना दिखने के बाद आपको सिंपली ई जो यहाँ पे ऐड हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इन टैब यहाँ पे जो ऐड हुआ है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो हमारा SBI का सर्वर है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जो पोर्टल है यहाँ पे बिल्कुल ओपन हो जाएगा। हम क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पर हमारा वर्क होता है, यानी कि जो
एक तरह से स्मूथली सपोर्ट है, यानी कि अच्छा वर्क करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे 11 पे। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 11 10 11 स्टैंडर्ड मोड। तो उसको हमें सिंपली सेलेक्ट करना है, और जो यहाँ पे एक पॉपअप लोगर पिछला खुला हुआ है उसको हमें बंद कर देना है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे अपना जो पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ हमको, अगर मान लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको अगर लगे तो आप F11 दबा करके आपको फुल स्क्रीन में आपको इस वेबसाइट को कर लेना है, ताकि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि हम जैसे फीचर इसका अलग ना लगे, डिफरेंस ना लगे। क्योंकि आप F11 जैसे ही अपने कीबोर्ड में दबाइएगा तो ये पूरा फुल स्क्रीन पर हो जाएगा, और जैसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर पहले की तरह काम करते थे सेम उसी तरह आपका जो ये वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वो दिखने लगेगा। सिंपली आप इस पर लॉगिन कीजिएगा तो जो बार बार लॉगआउट की समस्या आ रही है आप यहाँ पे नहीं आएगा। और जो मैं इसको यूज किया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ, मुझे लगता है कि अभी करेंट डेट में जो हम उस एक इस तरह से अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एग में इस तरह से हम ऐड करके और अपना CSP पोर्टल हम यूज कर रहे हैं तो काफ़ी ही स्मूथली यूज हो रहा है, यानी कि काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है। तो स्मूथली का मतलब है थोड़ा सा फास्ट वर्क कर रहा है, जैसे कि हम पहले यूज कर रहे थे। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट एग में जैसे कि हम ऐड करके इसको यूज कर रहे हैं तो हमें जहाँ तक एक्सपीरियंस है ये थोड़ा सा स्मूथली यानी कि थोड़ा सा फास्ट यूज कर रहा है। तो आप इस तरह से आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। ऐसा नहीं है कि आप इस ट्रिक को अपना लिए माइक्रोसॉफ्ट एग में आप ऐड कर लिए, ओपन कर लिए तो जो आपका पहले की तरह लॉगिन हो रहा है वो लॉगिन नहीं होगा। बिल्कुल आप बाकायदे वहाँ भी पहले की तरह लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ भी पहले की तरह वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एग में मैंने लॉगिन किया है और कंट्रोल एफ दबा के इसको फुल स्क्रीन में मैंने किया हुआ है। इसमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल कोई भी इसमें और बाकी जैसे भी वर्क कर रहे हैं आप बिल्कुल यहाँ से वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज कीजिएगा। यूज करने के बाद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो ट्रिक है थोड़ा सा स्मूथली यानी कि फास्ट वर्क कर रहा है कि नहीं सर्वर। अगर फास्ट वर्क कर रहा है तो आप मेरे चैनल पर आगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने इसको ट्राई किया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है स्मूथली वर्क कर रहा है, फास्ट वर्क कर रहा है, तो मैंने ये ट्रिक आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस ट्रिक को यूज करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो भी होगा मेरे साथ ज़रूर आप मेरे चैनल पर शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप SBI CSP से रिलेटिव कोई भी वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं, कोई भी CSP से रिलेटिव अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। मैंने माइक्रो ATM से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम आ रहे थे उसका पेरिस सर्विस का नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।